सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, देश भर के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। और वो खबर ये है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, जो कि कर्मचारियों का एक सबसे बड़ा संगठन है, इसने 28 जुलाई 2018 को एक लेटर जारी किया है सभी जो कर्मचारी संगठन है उनको, और इनसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जैसे कि पहले से जो प्लान है उसके तहत 5 सितंबर 2018 को दिल्ली में एक धरना दिया जाएगा और 15 नवंबर 2018 को एक दिन की देशव्यापी भूख हड़ताल की जाएगी। तो इसमें विभिन्न तरीके की मांगे हैं केंद्रीय कर्मचारियों की, पेंशनभोगियों की, साथ में जो ग्रामीण डाक सेवकों की, उन सब के बारे में जिक्र किया गया। और एक बार फिर से इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उस मांग को या फिर जो धरना दिया जा रहा है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए अधिक से अधिक लोग यहाँ पर इकट्ठा हों और सरकार पर दबाव बनाया जाए, जिससे सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की जो विभिन्न मांगे हैं, कौन कौन सी मांगे हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, कर्मचारियों की जो विभिन्न मांगे हैं वो इस प्रकार इन्होंने बताई हैं। फिर इनकी जो 10 सूत्रीय जो मांगे हैं वो इस प्रकार हैं। उसमें सबसे पहली मांग इनकी है कि जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम यानी कि जो NPS है उसे ख़त्म किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को। उसके बाद में 7th Pay Commission की जो मांगे हैं, जिसमें न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी और हाउस रेंट अलाउंस और बाकी जो अलाउंसेस हैं उनका भुगतान 1 जनवरी 2016 से किया जाने के बारे में, MSCP के लिए जो बेंचमार्क फिक्स किया उसको हटाने के बारे में, और जो प्रमोशनल हायरार्की है उसको 1 जनवरी 2006 से लागू करने के लिए, और पेंशनर्स के लिए पेंशन रिविजन के संबंध में ऑप्शन 1 को दोबारा से लागू करने के लिए, और भी बाकी जो एनोमलीज हैं जो कि 7th Pay Commission लागू होने के बाद में आराइज हुई हैं उन सबको जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करने के लिए भी ये दूसरा उनका मांग रहेगा। उसके बाद में जो पुरानी वैकेंसी खाली हैं या फिर जो खाली वैकेंसी हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए और क्षेत्रीय रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को दोबारा से शुरू किया जाए। साथ में जो सरकार ने पिछले 5 साल से खाली पड़ी भर्तियों को ख़त्म करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मांग है यहाँ पे एक और है कि जो ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी हैं उन्हें रेगुलर किया जाए और उन्हें एक सिविल सर्वेंट की स्टेटस दी जाए, क्योंकि GDS Pay Committee रिपोर्ट ने भी ये रिकमेंड किया था लेकिन सरकार ने GDS Pay Committee रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। और उसके बाद में जो GDS कर्मचारी हैं वो भी काफ़ी निराश हैं। तो यहाँ पर GDS कर्मचारियों की जो प्रमुख मांगें हैं कि उन्हें एक सिविल सर्वेंट का स्टेटस दिया जाए, तो ये इनकी मांगें हैं। उसके बाद में इक्वल व काम के लिए इक्वल पे के संबंध में भी इन्होंने एक यहाँ पर मांग उठाई है। उसके बाद में सरकार जो सरकारी कार्यालय हैं उनको बंद कर रही है और अधिकतर काम को वो आउटसोर्सिंग कर रही है, तो इसको भी बंद किया जाए। लेकिन सबसे पहले एक मांग यहाँ पर और है कि जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज, और उनके जो एम्प्लॉय और पेंशनर्स हैं उन्हें नई पेंशन का लाभ दिया जाए और उनको भी बोनस दिया जाए 2016-17 से। उसके बाद में जो अनुकंपा नियुक्ति है उन पर 5% का जो कोटा लगाया हुआ सरकार ने उसको भी ख़त्म किया जाए। उसके बाद में जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारी हैं उन्हें कम से कम 5 time-bound प्रमोशन उन्हें दिए जाएँ। तो ऐसे लगभग यहाँ पर इन्होंने 10 ऐसी मांगों के बारे में ये मेमोरेंडम जारी किया है जो कि हर एक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इन सभी मांगों को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, जो कि एक सबसे बड़ा संगठन है कर्मचारियों का, उन्होंने मांग की है। और इसके बारे में 5 सितंबर 2018 को दिल्ली में एक मास रैली निकाली जाएगी और उसके बाद में 11 नवंबर 2018 को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा स्टेप यहाँ पर लिया गया है क्योंकि सरकार पर दबाव बनाया जाएगा और अगले साल आम चुनाव भी होने वाले हैं, तो इन सब के मद्देनज़र कर्मचारी संगठनों का एक्टिव होना भी ज़रूरी है, तभी जाके कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कुछ मिल पाएगा। यदि संगठन चुप बैठ जाते हैं तो सरकार कुछ नहीं करने जा रही है, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप यहाँ पर लिया गया है और उम्मीद की जाएगी कर्मचारियों को कुछ अच्छा यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस हड़ताल के बारे में मालूम चल जाएगा, वो भी इसमें शामिल हो सकें। और सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। धन्यवाद।